नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आप परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव जो है तीसरा चरण जो है वो पहली तारीख को शुरू होगा और उसके बाद 8 तारीख को जो है इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पे बड़ा हमला किया है। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी पे बड़ा हमला करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जम्मू में कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि राहुल गांधी जो है वो जम्मू में इतना फोकस नहीं दिखा रहे हैं, जम्मू में उनका ध्यान नहीं है। बिल्कुल, जम्मू में उनका ध्यान नहीं है और इससे अलायंस जो है कमज़ोर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है जो अलायंस में है और वो जो है इस समय कमज़ोर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को चाहिए, जिस तरह घाटी में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, और वहीं अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में उन्होंने साफ तौर से कहा कि जम्मू में जो है कांग्रेस कमज़ोर दिखाई दे रही है, अलायंस जो है अलायंस में कांग्रेस जो है वीक दिखाई दे रही है। और वहीं इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अगर जम्मू में उन्होंने फोकस नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं ये अलायंस जो है कमज़ोर दिखाई देगा। उसके साथ साथ अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा पहले दिन से ही ये कह रही है, भाजपा पहले दिन से ही ये कह रही है कि ये जो अलायंस किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से ये बिल्कुल कमज़ोर है और कभी भी ये टूट जाएगा। और जिस तरीके से लगातार जो है विवाद जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी पर साफ तौर से हमला बोला है, तो उसके बाद जो है ये जो भाजपा की बात है ये कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। जिस तरीके से भाजपा पहले दिन से कह रही थी कि अलायंस जो है काफ़ी कमज़ोर है और कभी भी ये अलायंस जो है वो टूट सकता है, ये अलायंस जो किया गया है सिर्फ सुरसी और सत्ता के लालच के लिए जो है अगर जो है अलायंस जो है वो किया गया है, इसमें कोई किसी की डेवलपमेंट के लिए अलायंस नहीं किया गया है, ये सिर्फ सत्ता के लालच और कुर्सी के लालच के लिए ये अलायंस जो है किया गया है, कभी भी ये अलायंस जो है टूट सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सपोर में एक रैली के दौरान राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं द्वारा एनसी पर यह आरोप लगाया गया कि एनसी के जो कार्यकर्ता हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे जो है वो चुरा रहे हैं। राहुल गांधी को इसकी तरफ ध्यान देना होगा, राहुल गांधी को इसकी तरफ सोचना होगा, अगर इस तरीके से रहा तो जो अलायंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इस चीज़ को उनको देखना चाहिए ताकि हमारा अलायंस जो है वो कमज़ोर ना हो, ताकि इस तरीके से लगातार आपको बता दें कि भाजपा जो है तीखे हमले जो है अलायंस पर कर रही है। अगर भाजपा के हमलों का जवाब देना है तो हमको इस अलायंस को स्ट्रांग करना होगा, हमें अलायंस को स्ट्रांग करना है ना कि कमज़ोर करना है। इसलिए उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि राहुल गांधी को जम्मू की तरफ ध्यान देना होगा, जम्मू में फोकस दिखाना होगा ताकि यह अलायंस जो है कमज़ोर ना पड़े। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन इस बार जो है सत्ता में आता है, तब तीसरा चरण होगा। तीसरा चरण पहली तारीख को होगा, 8 तारीख को जो है रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में कौन है सरकार बनाता है, या फिर भाजपा अकेले दम पर जो कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, या फिर अलायंस जो है सत्ता में आएगा और अलायंस जो मैनिफेस्टो लेके आया है वो अपने मैनिफेस्टो को क्या पूरा करेगा, या भाजपा जो है अकेले दम पर अपना मुख्यमंत्री जो है जम्मू में बनाएगी, ये देखना होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर करें और साथ ही अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन, मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।